देखिए, कहने के काल कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब क्या बताऊं मैं भाई। तो सारा देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, आज थी, और हमें खुशी थी आज, और खुशी का दिन था जो सुबह उठते हैं, जो भैया तैयारी ऐसे ऐसे तैयारी कर रखी थी, और ये समाचार जो है मेरे पास सुबह आया जो 9-10 बजे, तो मैं भाव बस कुछ मेरा कहना बोलिया नहीं था। मेरे परिवार में किसी से बात हुई या बजरंग वगैरह? ना सर, किसी से बात नहीं, सिर्फ बजरंग का टेलीफोन आया था, पापा ऐसी ऐसी बात होगी। वह जो संगीता टेल में था वही रोने लगी। तो क्या उम्मीद लग रही है अब? देखो क्या बताऊँ मैं, तो मेरे को पता नहीं चीज़ का है। ये 100 ग्राम का जो फर्क है, क्या कुश्ती में ही जायज है? जो रूल्स हैं क्या बना रखे, किस तरह बना रखे हैं, जो ये तो है, जो वजन छोटा बड़ा 50-100 ग्राम तो उसमें बस लड़ा देते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं तो भैया क्या बता। फेडरेशन और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए वो जो बात करेंगे बजरंग आरोप सर से मिल करके विचार मिनिस्टर के बात करेंगे। तो देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं बस देशवासियों के लिए मैं यूँ कहूँ, जो भाई निराश ना हो, एक दिन जो करेंगे, मैं अगला 28 का ओलंपिक, उसके लिए जो संगीता को उसमें कुछ दिन दोबारा स्टार्ट करवा रहे हूँ, उसके भी जो पिछला के जो है, और बजरंग को बोले हमने भी करो कोशिश, और विनेश भी जो आएगी उसके बाद में जो है 4 साल का नहीं होते, मैं कहूँ बेटा 4 साल और करो। आप दोबारा तैयारी कराएंगे? हाँ बिल्कुल, कहूँ अभी दोबारा तैयारी करो, 4 साल ज़्यादा नहीं होते।